अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं साद और इस वीडियो में हम डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ये इंशाल्लाह इस वीडियो में जितने फंक्शन थे वो मैं आप लोगों को सब पढ़ा दूंगा या इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनके क्वेश्चंस करेंगे जो इन फंक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है आज की वीडियो का वो है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन के लिए ये जहन में रख लें कि दो फंक्शन चाहिए आपको, किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन के लिए आपको दो फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में दो फंक्शन रिक्वायर होंगे आपको। और कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अकर्स व्हेन द आउटपुट और रिजल्ट ऑफ वन फंक्शन बिकम द इनपुट ऑफ अनदर फंक्शन। इनके कहने का मतलब ये है कि मैंने लेट कर लिया, मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। जी और एफ ये फंक्शन के नेम्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा? जब हम किसी एक फंक्शन के इनपुट को, सॉरी, एक फंक्शन के आउटपुट को दूसरे फंक्शन के इनपुट में पुट करेंगे तो जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो कंपोजिट फंक्शन होगा। दोबारा मैं बोलूंगा, अब लेट कर लें ये फंक्शन है मेरे पास और ये फंक्शन है। इस फंक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, जब मैं कोई इनपुट करूंगा तो कोई ना कोई आउटपुट आएगा। तो इस फंक्शन के रिजल्ट जो भी आएगा, जो भी वाई वैल्यू आएगी इसकी, वो मैं इस फंक्शन के इनपुट में पुट कर दूंगा और इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो मेरे पास कंपोजिट फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, और उनको किस तरह लिखा हुआ है, जैसे एफ ऑफ एक्स है ना, अब एक्स का मतलब क्या होता है? इनपुट। एक्स की जगह मैं इनपुट लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इनपुट लिख दो। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मतलब इसका ये कि जो भी एक्स इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, एक्स की जगह कुछ भी आएगा जो हम इनपुट करेंगे। अगर मैं टू इनपुट करूंगा तो यहाँ भी टू आएगा, यहाँ भी टू आएगा, तो इनपुट इस तरह लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं एक और फंक्शन का आउटपुट डाल दूँ, जैसे जी ऑफ एक्स, जो भी आप इनपुट करोगे कोई ना कोई आउटपुट आएगा इसका। तो इस फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो अगर मैं इस फंक्शन के इनपुट में डाल दूंगा तो ये मेरे पास कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। तो अगर इस फंक्शन के आउटपुट को मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये मेरे पास कंपोजिट फंक्शन कहलाया जाएगा। अब जो भी जी ऑफ एक्स, फर्ज करें जी ऑफ एक्स में अगर आप एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स लिख दें आप। ठीक है, अगर आप इसे इनपुट टू डालेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा फोर। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आप इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ फोर, और ये आपके पास कंपोजिट फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, कंपोजिट फंक्शन को इस तरह भी डिनोट करते हैं हम, और एक और तरीका भी होता है, वो इस तरह करते हैं। आमतौर पर इसे लोग फॉग पढ़ लेते हैं, एफ ओ जी, ये ओ नहीं होता। ठीक है, ये इसकी रीजन ये है कि अगर इसे हम क्लोज डॉट लिखते, मतलब ये वाला डॉट आता तो ये वाला डॉट मल्टीप्लाई के लिए होता है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे इसलिए हम ओपन डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो ये डॉट होता है, ओपन डॉट जिसे कहते हैं। तो एफ ओ एफ डॉट जी इंटू एक्स, जो भी वेरिएबल हो आपके वो लिख दोगे। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं और कंपोजिट फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने f ऑफ x इसके रिजल्ट को इसके इनपुट में डाला तो फिर ये g डॉट f हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, g f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो f o या f डॉट g इस तरह लिखा जाता है और g डॉट f इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लिखने के तरीके, अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि लेट कर लें मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू रूट सेवन माइनस एक्स। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x, मतलब f डॉट g या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि फंक्शन में एक्स जो है ये एक जस्ट प्लेस होल्डर है, इसकी जगह हम कोई भी इनपुट डालेंगे। अगर मैं टू कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ टू, इसकी जगह टू आएगा और इधर पे टू आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू सिक्स, मेरे पास रिजल्ट सिक्स आ जाएगा। तो एक्स इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, इसकी जगह कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो मैं इसके इनपुट में डालूँ। तो इसका आउटपुट क्या है? ये वाला रूट सेवन माइनस एक्स, तो ये मैं इसके इनपुट में डाल दूंगा। इसका इनपुट क्या है? जहाँ भी एक्स होगा वहाँ आप डाल दो। तो ये वाली चीज़ आप पुट कर दो जहाँ भी एक्स होगा एफ ऑफ एक्स में। तो एक्स कहाँ है? एक ही जगह पे एक्स है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की जगह ये लिख दिया। अगर आप इसे एक्स से कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आप खाली इस तरह ब्लैंक छोड़ दो। आप जो भी इनपुट डालोगे, अगर टू डालना है यहाँ टू आ जाएगा, फोर डालना है यहाँ फोर आ जाएगा। इस केस में हमें जी ऑफ एक्स डालना है। जी ऑफ एक्स क्या है? रूट सेवन माइनस एक्स। अब हमने क्या किया, हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर दी। क्यों? हमने एक फंक्शन के रिजल्ट को दूसरे फंक्शन के इनपुट में डाल दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें आप लोग, कैंसिल हो जाएगा सेवन माइनस एक्स, सेवन प्लस टू नाइन माइनस एक्स, तो ये मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, रिवर्स इसके निकालना है, मुझे निकालना है जी डॉट एफ। तो किस तरह मैं निकालूंगा? वही बात, ये मेरे पास फंक्शन है,
इसके रिजल्ट को मैंने इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, जो भी आप पुट करोगे यही रिजल्ट होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू आप पुट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इसके इनपुट में डालना है। इसका इनपुट कहाँ है, ये मैंने ब्रैकेट से शो कर दिया इसे, ठीक है। अब जो भी यहाँ आएगा वो इनपुट आएगा, और कंपोजिशन में आपको पता है कि एक फंक्शन के रिजल्ट को दूसरे फंक्शन के इनपुट में लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इसके इनपुट में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, सेवन माइनस टू फाइव, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास एक कंपोजिशन फंक्शन आ जाएगा। तो बेसिकली हम करते क्या है, एक फंक्शन को उठाते हैं, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो एक फंक्शन को आप लोग उठाओ दूसरे फंक्शन के इनपुट में डाल दो, मतलब जहां भी एक्स लिखा हुआ है वहां पुट कर दो, दैट्स इट, आपके पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और जिस फंक्शन में आप डालोगे इसे, तो उस फंक्शन को बाहर लिख दो, उसको अंदर लिख दो, ये आसान तरीका है याद करने का। अब मजीद पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। तो टॉपिक है डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कि कंपोजिट फंक्शन की डोमेन क्या है, ठीक है। तो किस तरह डोमेन निकालेंगे, देखिए आम जो भी फंक्शन है, जैसे ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसकी डोमेन मैं किस तरह निकालूंगा, मैं इसमें हर चीज पुट कर सकता हूँ जो सेवन से लेस हो या सेवन के बराबर हो। क्यों, अगर मैंने सेवन से ग्रेटर, लेट से एट पुट कर दिया, तो सेवन माइनस एट माइनस वन और रूट माइनस वन आयोटा हो जाता है, मतलब इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो मैं सेवन से कम कम या सेवन डाल सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इससे ग्रेटर नहीं डाल सकता हूँ, इमेजिनरी हो जाएगा, हम इमेजिनरी में डील नहीं करते, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स लेस देन इक्वल टू सेवन हो जाएगी। तो इसी तरह कंपोजिट फंक्शन की डोमेन इस तरह निकालते हैं कि जो हम कंपोजिट फंक्शन में इनसाइड फंक्शन होता है, इनसाइड मतलब जैसे ये इनसाइड है जी ऑफ एक्स, इधर एफ ऑफ एक्स इनसाइड है, तो जो इनसाइड फंक्शन है सबसे पहले उसकी डोमेन निकालते हैं। अगर उसकी डोमेन में कोई मसला है, अगर तो ऑल रियल नंबर से सही है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है, इसमें इनसाइड फंक्शन जी ऑफ एक्स है, इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि डोमेन उसकी लेस देन सेवन या इक्वल टू सेवन होगी, इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गई, इसको आप लोग अपने पास लिख लो, ठीक है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, डोमेन ऑफ जी तो आपने निकाल ली, दूसरा स्टेप करना है आपने कंपोजिट फंक्शन जो भी आया, जैसे ये आया कंपोजिट फंक्शन, इसकी डोमेन निकालो। इसकी डोमेन में आप कुछ भी पुट कर सकते हो रियल नंबर, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आगी, और रियल नंबर आ गई। तो फाइनल कंपोजिट फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो फिर उसकी डोमेन वही होगी, और अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ भी और रियल नंबर, यहाँ भी और रियल नंबर, तो उसकी डोमेन कंपोजिट फंक्शन की और रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। और अगर इनसाइड फंक्शन की डोमेन और रियल नंबर है और कंपोजिट फंक्शन की डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो आप रिस्ट्रिक्शन इधर लिख दोगे, ठीक है। तो आपने दोनों कंसीडर करना है, ये मैंने पॉइंट ये लिखे हुए अंग्रेजी में सारे। तो इस तरह आप कंपोजिट फंक्शन की डोमेन निकालोगे, अच्छा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती आप लोग मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती, आप लोगों को समझ आया नहीं आया, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हुए। तो उसके बाद क्या है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर देता हूँ कि मैं जितना समझाऊँ प्रिसाइज हो के, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो, ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, आप लोगों को समझ आ जाए बस। उसके बाद आप आखिरी चीज़ जो है कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड आप लोगों को जो पढ़नी है वो ये है कि एफ डॉट जी, ये पैरेंथेसिस टू, इसका मतलब होता है या तो ये लिख लो आप, बात एक ही है, एफ ऑफ जी ऑफ टू, या आप इस तरह लिख दो, इसका मतलब एक ही होता है। करना क्या होता है इसके अंदर, आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो जो कंपोजिट फंक्शन आया, अब यहाँ क्या था x था, तो कंपोजिट फंक्शन में x आया करता था, अब जो भी x की जगह लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो आप कंपोजिट में x की जगह टू पुट कर दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस फंक्शन में ये कंपोजिट फंक्शन आया, अब g ऑफ x है ना, यहाँ अगर मैं टू पुट करूँगा तो जहाँ x होगा वहाँ मैं टू पुट कर दूँ, यहाँ टू पुट करूँगा नाइन माइनस टू सेवन, तो ये मेरे पास इस चीज़ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है कि आप g ऑफ टू निकालो, g ऑफ टू क्या होगा, टू पुट करो इसके अंदर, सेवन माइनस टू रूट फाइव आ जाएगा, जो भी रूट फाइव आएगा वो आप फंक्शन f जो है उसके अंदर पुट कर दो। फंक्शन f क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो x की जगह आप रूट फाइव लिख दो, इसका स्क्वायर लोगे फाइव आएगा, फाइव प्लस टू सेवन। तो दोनों तरीके आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। ये जल्दी वाला तरीका है कि जो भी कंपोजिट फंक्शन आया वहाँ जहाँ x होगा वहाँ आप टू पुट कर दो, या दूसरा तरीका ये कि g ऑफ टू निकालो और उसको पुट कर दो f ऑफ x में, तो आप कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो आप लोगों की बुक में एक ये लाइन लिखी हुई थी, मैंने कहा कंपोजिट फंक्शन रिलेटेड है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो क्या था, क्या कहते, एक फंक्शन है उसमें हमने a इनपुट किया, आया हमारे पास b आउटपुट, और एक और फंक्शन है जिसमें हमने इनपुट किया b और आया आउटपुट c, और तीसरा फंक्शन है h जिसमें हमने a इनपुट किया और c आया। तो h एक कंपोजिट फंक्शन है जिसको हमने लिखा हुआ है g ऑफ f ऑफ x, और g ऑफ f ऑफ x का आंसर क्या आएगा, c के बराबर। क्या है ये मैं समझाता हूँ आप लोगों का। देखो मैंने कंपोजिट फंक्शन में आपको क्या बताया कि एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के इनपुट में हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन होगा, ठीक है। तो b का जो मतलब फंक्शन का आउटपुट क्या था, a पुट किया, b आउटपुट था, इस b आउटपुट को हमने दूसरे फंक्शन के इनपुट में हमने पुट किया, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया।
तो अगर मैं बोलूं मैंने ए पुट किया और रिजल्ट मेरे पास सी आया, तो वो कंपोजिट फंक्शन होगा। कैसे? जैसे एफ ऑफ एक्स है ना, मैंने यहाँ एक्स की जगह ए पुट किया, मेरे पास रिजल्ट क्या आया? बी आया। बी जो है वो जी का इनपुट हो जाएगा, मतलब जी ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर है। तो जब मैं फंक्शन जी में बी पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? सी आ रहा है, तो ये सी आ रहा है। तो अल्टीमेटली एच जो है, जिसमें हमने ए इनपुट किया था और अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास सी आया था, ए पुट किया और सी रिजल्ट आया, तो वो हमारा कंपोजिट फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे लाजमी पूछ लेना, मुझे पता है टॉपिक मुश्किल है समझने के लिए। ठीक है,